Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 1st, road safety, principal factor relating to road safety. This is the new topic in UPPCS RI exam, regional inspector syllabus. Regional inspector ke paper number 2nd का ये सेकेंड टॉपिक है, प्रिंसिपल फैक्टर रिलेटिंग टू रोड सेफ्टी। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं अपने वीडियो पे और इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स है चैप्टर नंबर 1, जिसे पार्ट ए है, रोड साइन। तो फर्स्ट है नॉलेज, नो ऑल अबाउट ट्रैफिक साइन, यातायात चिन्हों को जानने का तरीका। मैंडेटरी रोड साइन, आदेशात्मक सड़क चिन्ह। कॉन्टिनकेशनरी रोड साइन, सचेतक सड़क चिन्ह। इंफॉर्मेटरी रोड साइन, सूचनात्मक सड़क चिन्ह। रोड साइन सड़क संकेत। रोड मार्किंग सड़क मार्किंग। पार्ट नंबर बी है आपका रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, सड़क सुरक्षा जानकारी। तो चैप्टर नंबर 1 आपका ये है यातायात चिन्हों को जानने, नो ऑल अबाउट ट्रैफिक। चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 का पार्ट ए है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में चैप्टर 2 से शुरू है, इसे पार्ट बी है, इसे रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी, इंफॉर्मेशन टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, कॉमन काजेज टू रोड क्राइसिस, एंड सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद कैसे करें, हाउ टू हेल्प द रोड क्रैश विक्टिम। 5 नंबर है नो कॉमन मिस्टेक एंड इम्प्रूव योर ड्राइविंग, सामान्य गलतियों को जानकर ड्राइविंग सुधारें। सेफ्टी टिप्स फॉर पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षा सुझाव। सेफ्टी टिप फॉर द साइक्लिस्ट, साइकिल चलाने के लिए सुरक्षा सुझाव। सेफ्टी टिप फॉर द स्कूल बस, स्कूल बस के लिए सुरक्षा सुझाव। नो आवर करेक्ट वे टू पार्किंग, पार्किंग करने का सही तरीका जाने। व्हीकल मेंटेनेंस, वाहन की सही रख रखाव क्या है। ड्राइविंग अंडर डिफिकल्ट कंडीशन, कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग कैसे करें। अवॉइड ड्रिंकिंग एंड ड्राइव, यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें। लेन ड्राइविंग सुझाव, लेन ड्राइविंग टिप्स है। स्किल ऑफ ए गुड ड्राइवर, एक अच्छे वाहन चालक के क्या गुण होने चाहिए। लर्न रोड सेफ्टी रूल विथ फन। विजिबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन रोड सेफ्टी, कॉरपोरेट जगत से सड़क सुरक्षा के लिए अपेक्षित योगदान। कंट्रीब्यूशन सोलिसिटेटेड फ्रॉम द कॉरपोरेट वर्ल्ड फॉर रोड सेफ्टी। 19 नंबर है आपका 10 रोड सेफ्टी फैक्ट, एंड 20 नंबर मीथ ब्रेक एंड फेथ फैक्ट फाइंडर डू यू नो। तो ये सारे चैप्टर हैं, इस चैप्टरों में हम सभी एक एक करके सेफ्टी से रिलेटेड सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे। तो लेट्स डिस्कस चैप्टर 1, नो ऑल अबाउट ट्रैफिक साइन। यातायात चिन्हों को जानने के लिए हमें सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। Before one gets ready to drive for a very first time on road, one need to learn the rule of the road. कोई भी व्यक्ति जब पहली बार वाहन चलाने के लिए सड़क पर जाए, तो उससे पहले उसे सड़क से, यानी यातायात नियम से, रोड सेफ्टी के जितने भी रूल है उसको समझ लेने चाहिए। The road sign and marking help the रोड यूजर टू फॉलो द रूल्स एंड शुड बी
mastered before venturing on the road. They also serve to guide information and caution. A control device for traffic sign need full attention, respect, and the driver's appropriate response. सड़क पर बने सड़क सुरक्षा के चिन्ह सड़क पर चलने वाले यात्रियों को सुरक्षित रखने में मदद होता है। सभी को सड़क का उपयोग करने से पहले इन चिन्हों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये चिन्ह मार्गदर्शक, सूचनात्मक व सचेतात्मक होते हैं, क्योंकि यह यातायात को सुचारू रखने के लिए इन पर पूरा ध्यान सम्मान वाहन चालक द्वारा इनका पालन किया जाना चाहिए। यानी जो भी रूल और रेगुलेशन है रोड सेफ्टी से और सड़क पर बनाए हुए साइन हैं और जो भी रोड साइन बनाए जाते हैं उन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। इससे आपको एक्सीडेंट से बचने में बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रिट एंड जेनेसिस ऑफ रोड साइन, सड़क संकेतों का मूल भावना एवं उनकी उत्पत्ति। पहले पुराने समय में मील के पत्थरों पर संकेत बनाकर रोड सेफ्टी के नियम को समझाए जाते थे, उनके डिस्टेंस को उस पर लिखा रहता था। हालांकि आज के डेट में ये सब चीज़ें मिल सकती हैं अपने हिंदुस्तान में, तो ख़ास तौर से अभी भी हैं, जो पत्थर साइड में बने रहते थे उस पर कलर किया होता है, कहीं पे पीला, कहीं पे रेड, कहीं पे ब्लू, तो ये कलर्स भी एक अलग अपना सिंबल प्रेजेंट करते थे। और उसके बाद उस पत्थर पे लिखा रहता था कि फलां दिल्ली इतना किलोमीटर, या फिर उस पर रोड साइंस बने रहते थे कि यहाँ पे नैरो ब्रिज है, समथिंग, जो भी रोड साइन आज भी यूज किए जाते हैं। तो ये रोम साम्राज्य में ये ज़्यादातर देखा गया था। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे अब चूंकि ये रोड सेफ्टी, रोड की कोई सीमा नहीं है, पूरी दुनिया में रोड है, तो रोड एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है और इससे पर दुर्घटना होना भी एक आम चीज़ है। और ये अंतर्राष्ट्रीय विषय होने के कारण इसको कोशिश किया गया है कि ऐसे भाषा में प्रेजेंट किया जाए ताकि सभी को ये पढ़ने में आसानी हो जाए। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम फिगर के यानी संकेतात्मक तरीके से इसको दर्शाया जाता है ताकि जिस भाषा का भी व्यक्ति हो उसे वो समझने में दिक्कत ना हो। आमतौर पर हर देश में, अपने हिंदुस्तान में तो ख़ास तौर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं हम, तो लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह अगर हम भाषा में लिखें रोड साइन तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय चीज़ होने के कारण इसको ऐसे रूप में बनाया गया है ताकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। यह सड़क सुरक्षा वैश्विक विषय है, न कि किसी एक देश का विषय है। इसलिए बहुसीमाई अंतर्राष्ट्रीय यातायात और सड़क सुरक्षा को सुलभ बनाने के लिए संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों की अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता आवश्यक है। मोटर युक्त यातायात के आगमन तथा सड़कों पर इनके बढ़ते दबाव के कारण अनेक देशों ने चिंतात्मक संकेतों का प्रयोग आरंभ किया है। और अपने अब रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग, हर साल लाखों लोग मरते हैं अपने हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो ये एक चिंता का विषय उठा, इसलिए इस पर एक और भी साइंस प्रोड्यूस किए गए जो डेंजरस टाइप के साइन है, वो हर चीज़ को दर्शा सके ताकि आपको, आपकी सुरक्षा बनाई जा सके, आपकी रोड सेफ्टी को बनाई जा सके। इसे मोटर युक्त यातायात के आगमन तथा सड़कों पर इनके बढ़ते दबाव के कारण अनेक देशों ने चित्रात्मक संकेतों का प्रयोग आरंभ किया है और अपने संकेतों का मानकीकरण कर दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाया जा सके। जहां भाषाई अंतर अवरोध उत्पन्न कर सकता है और सामान्य रूप से इसके फलस्वरूप उपयुक्त सावधानी विनियमन
सूचनात्मक संकेतों के माध्यम से यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में भी मदद मिली। इनमें से अधिकतर चित्रात्मक संकेतों में शब्दों के स्थान पर प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तथा स्वीकार्यता प्राप्त है। इन संकेतों की उत्पत्ति प्राथमिक रूप से यूरोप में हुई थी और अधिकतर देशों ने अलग अलग स्तरों पर इन संकेतों को अपनाया है। वर्ष 1947 में UNECE ने रोड सेफ्टी को प्रमुख उद्देश्य बना लिया था। यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि विशेष रूप से कार सड़क कार्य दल पर जो काम करता है तो WP1 कहते हैं। UNECE ने वर्ष 1950 में सड़क दुर्घटना निवारण पर कार्य दल वन WP1 नामक एक एदत कार्य समूह की स्थापना तथा राष्ट्र संघ प्रणाली सड़क सुरक्षा गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके तत्वाधान में अनेक अंतर्राष्ट्रीय विधिक दस्तावेज तैयार किए गए हैं। सामान्य रूप से ये विधिक दस्तावेज और विशिष्ट रूप से ये सम्मेलन न यातायात संकेतों और चिन्हों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी कि WP नामक एक संस्था को गठित किया गया था जो 1950 में इसकी संगठन बना था जो कि सड़क दुर्घटना पर और उससे रिलेटेड इन बिंदुओं पर काम करे और सड़क दुर्घटना को नियंत्रण करने के लिए उस पर कार्य कर सके। 19 सितंबर 1949 को यूरोप संघ राष्ट्र आर्थिक आयोग के ध्वज के अधीन जेनीवा में सड़क संकेत प्रतीकों पर नयाचार पर अभी समय के अंतर्गत एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह 20 दिसंबर 1953 में लागू किया गया था और इसी दिन पंजीकृत भी हुआ था। भारत भी इस करार का एक पक्ष था। संविदाकारी पक्षों से यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि वे अपने संबंधित देशों में प्रयोग होने वाले सड़क चिन्हों और संकेतों को यथासंभव अधिकतर स्तर पर विकसित करें और समरूप बनाएं। तो जेनेवा में 19 सितंबर 1949 को यूरोपीय राष्ट्रीय संघ आयोग ध्वज के अधीन सड़क संकेतों का नयाचार लागू किया गया था। एक तरह से एक नया सड़क नियमावली बनाया गया था जो 1953 में 20 दिसंबर 1953 में लागू किया गया और इसी दिन भी देश में पंजीकृत किया गया ताकि सड़क संकेतों को बनाया जा सके और उसको लागू किया जा सके ताकि लोगों की जानें बच सके। ये सभी पॉइंट क्या है, हिस्ट्री है कि कैसे क्या क्या हुआ था, पहले कब पहले लागू हुआ। पहले तो रोड से रिलेटेड बना, फिर विमान से रिलेटेड 8 नवंबर 1969 को विमान चिन्हों का संकेत बनाया गया, ट्रैफिक साइन एरोप्लेन से रिलेटेड ट्रैफिक साइन को बनाया गया। फिर इसे व्यापक रूप में विस्तार किया गया इसको और इसको इसके साइंस को बढ़ाया गया। हर एक पॉइंट का एक अपना साइन बनाया गया और उसको लागू किया गया ताकि एयरवेज का जो ट्रैफिक है उसको भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए जो भी भरसक प्रयास किया जा सके ताकि प्लेन से रिलेटेड भी कोई यानी यातायात विमान टाइप में जो भी एक्सीडेंट होते हैं हवाई जहाज़ों का लड़ना ये कम हो सके। तो ये सारे हिस्ट्री हैं आपके रोड सेफ्टी के रूल के अकॉर्डिंग। तो इस विधिक दस्तावेजों के अंतर्गत 1968 के सम्मेलन में लागू करने के लिए कार्य दल वन द्वारा सड़क यातायात पर संकेतों और चिन्हों दो समेकित संकल्प जारी किए गए थे। 1968 में जो WP1 जो संस्था बनाई गई उन्होंने संकेतों को और चिन्हों को
संकेतों और चिन्हों दोनों को भी बनाया और उसको लागू किया। कार्यदलवन संघ राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र अस्थायी निकाय है जो सड़क सुरक्षा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी WPI, WP1। WP1 क्या है? एक तरह का संस्था है जो कि राष्ट्रीय संस्था है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ऑर्गेनाइज करती है और इसका काम है कि सड़क सुरक्षा से रिलेटेड नियम बनाए जाएं और सड़क पर दुर्घटना होने वाले इनके आंकड़ों को अपने पास वो रखता है और सभी तरह के सड़क से रिलेटेड और यातायात से रिलेटेड सभी आंकड़े और दस्तावेज की भूमिका अदा करता है। भारत में सबसे पहले मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसूची 1 में समरूप सड़क संकेतों को निर्धारित किया गया था, यानी कि अपने देश में तो सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट आपको 1988 में आया था, ठीक है, उसके सम उसी में सभी चिन्हों को दर्शाया गया है। इसके बाद फिर जो उससे रिलेटेड और भी इसको जब विस्तार किया गया तब इसको, जैसे हम मोटर व्हीकल एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शेड्यूल है, कुछ एक्ट हैं, तो ये सभी एक्ट को टाइम टू टाइम चेंज किया गया है और टाइम टू टाइम सभी शेड्यूल को चेंज किया गया है, यानी ट्रैफिक साइन जो जो ट्रैफिक का रेशियो बढ़ा है तो ट्रैफिक साइन और हार्ड किए गए हैं और ट्रैफिक रूल में थोड़ा सा और परिवर्तन किया गया है। बेसिक स्कीम एडॉप्टेड फॉर रोड साइन, सड़क संकेत निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मूल योजना अपनाई गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल हैं, ठीक है, बहुत सारे स्कीम है, बहुत सारे रोड साइन है, सभी रोड साइन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सभी स्कीम को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में सड़क संकेतों की श्रेणियों को परिभाषित किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 5 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द कन्वेंशन ऑन रोड साइन एंड सिग्नल हेल्ड 8 नवंबर 1968 लेस डाउन द क्लासेस रोड साइन विच वेयर ब्रॉडली कैटेगराइज इन टू। तो सड़क संकेतों को 8 नवंबर 1968 को, ठीक है, सड़क संकेतों को इसमें दर्शाया गया है आपको। तो आर्टिकल 5 चैप्टर 2 में रोड साइन और सिग्नल को दर्शाया गया है और 8 नवंबर 1968 को जो रोड साइन और इसके सिग्नल है इसको 3 रूप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है डेंजरस वार्निंग साइन, रेगुलेटरी साइन और इंफॉर्मेशन साइन, यानी खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत, विनियामक संकेत, सूचनात्मक संकेत, 3 तरह से होते हैं। तो इसमें देखिए जो अलग अलग उसका सिंबल बना हुआ है, जैसे चेतावनी देने के लिए किसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो प्रत्येक प्रकार के संकेतों का आकार भिन्न होता है। जैसे गोलाकार संकेत आदेश देता है, जो गोलाकार सर्किल में जो भी फिगर होगा वो क्या करेगा, आपको एक संकेत देगा, संकेत का आदेश देगा यानी सूचना देगा, इंफॉर्मेशन। और त्रिकोण में जो होगा वो चेतावनी देगा, वार्निंग देगा आपको। और जो आयताकार में होगा वो सूचना प्रदान करेगा, ठीक है, सूचना। संकेत यानी सिंबल है आपको। तो ये 3 तरह के बेसिकली होते हैं, डेंजरस वार्निंग साइन और रेगुलेटरी साइन, इंफॉर्मेशन साइन, यानी कि बेसिकली तो आपको एक तो सूचना देगा, एक आपको चेतावनी देगा और एक आपको इंफॉर्मेशन देगा। 3 तरह से हो जाते हैं ये, 3 तरह के सिंबल, त्रिकोण, आयत और आपका सर के लिए 3 तरह के सिंबल के अंदर फोटो दर्शाया जाता है। तो सर्किल जो होता है वो संकेत को अपने अंदर रखता है, यानी सर्किल के अंदर जो भी फिगर होगा वो संकेत आपको देता है, संकेत आदेश देता है। और जो त्रिकोण के अंदर होगा वो आपको वार्निंग देगा, चेतावनी देता है। और आयताकार के अंदर जो होगा वो सूचना आपको देता है। तो इस तरह से आपको समझने में, तो बेसिक 3 ही तरह के आपके एग्रीकल्चर
अलजेब्रिक साइन के रूप में उसके अंदर वो दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए साइन है तीन, जैसे सर्किल है, सर्किल में क्या होता है ऑर्डर दिया जाता है, यानी इस फिगर सर्किल के अंदर कोई भी साइन बना हो या फिर कोई संकेत बना हो तो समझ लीजिए ट्रैफिक नियम वो आपको आदेश दे रहा है कि ये आपको करना ही करना है, नहीं करेंगे तो आप चलान के पात्र हो जाएंगे, यानी आपके चलान कट सकता है। सेकेंड है ट्रायंगल, ट्रायंगल में वार्निंग होती है, यदि आप इसमें नहीं करेंगे, ये वार्निंग दी होती है कि यहाँ पे डेंजरस चीज़ें हैं, इससे आप बचें, इस साइड न जाएं, इधर जंगल है, या फिर जो भी चीज़ें वार्निंग से रिलेटेड होती हैं वो इसमें होती हैं। और इसमें जो भी होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, आपके जानकारी के लिए दिया जाता है, आप इस चीज़ को जानें। यहाँ पे जो भी है जैसे कि कलर का भी डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट ये रेड कलर का है, इसका बॉर्डर इसका भी रेड कलर का है, इसका ब्लू कलर का है, तो ज़्यादातर ब्लू कलर यदि इस्तेमाल, नीले कलर इस्तेमाल किए गए तो संकेत देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बाएं मुड़ दाएं मुड़, ठीक है। लेकिन जो ये थर्ड त्रिकोण है, ट्रियंगल है, ये हमेशा रेड कलर का ही इस्तेमाल होता है, और जो आयताकार है ये ब्लू कलर का भी होता है, और गोलाकार जो है सर्किल है ये रेड कलर का भी हो सकता है और ब्लू कलर का भी हो सकता है। ब्लू कलर का तब होगा जब ये इंफॉर्मेशन जैसे कुछ आदेश दे प्रस्तुत कर रहा है, संकेत प्रस्तुत करेगा, ऐसे बाएं मुड़ दाएं मुड़ होगा तब इस तरह के प्रेजेंटेशन जब देगा ये, तब ये ज़्यादातर ब्लू कलर में होगा, लेकिन जब आपको ये आदेश देगा तब उस कंडीशन में ये रेड कलर का होगा। लेकिन ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हर सिचुएशन में रेड कलर का ही रहेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कलर को समझने में आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ अपवाद होते हैं, जैसे आकार और रंग के नियमों के कुछ अपवाद भी हैं ताकि कुछ संकेतों को अधिक महत्व दिया जा सके। उदाहरण के लिए रुकिए तब मार्ग दे, ये जो साइन है ये स्टॉप का साइन होता है, और ये जो साइन होता है गिव हुए यानी रास्ता देने का साइन होता है, तो ये अपवाद हैं, इनके कलर और शेप पे न जाइएगा, ये अपवाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस किताब में केवल जो भी संकेत दिए गए हैं ट्रैफिक रूल से रिलेटेड दिए गए हैं वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही व्यू से आपको काफ़ी मददगार होगी। तो ये लास्ट फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर था, तो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है, तो इसमें थोड़े हिस्ट्री थे और हल्के फुल्के आपके संकेत से रिलेटेड थे, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।